कुछ नहीं बचले, घर के आदमी जान लेके भाग लिए, हम कुछ हटावे नहीं सकले, हड़िया बर्तन जितना हले सब जल गए। सब कुछ जल गया, मेरा तो कुछ भी नहीं बचा, जो पहने वही बचा, नहीं बचा, सारी चीज आधा बर्तन अच्छा था, आधा बर्तन सब जर को खत्म हो गया। हाँ, सब कपड़ा लता सब जर गया है। कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड में एक बार फिर अगलगी की भीषण घटना हुई है। इस बार यह घटना अहमदाबाद प्रखंड की दक्षिणी करीमुल्लापुर पंचायत के नया टोला बसंतपुर गांव के वार्ड नंबर 2 में घटी है। हुआ यूं कि यहां रहने वाले प्रदीप ऋषि के घर में अचानक आग लग गई। पीड़ित परिवारों ने बताया कि आसपास के सभी घर के लोग मजदूरी करने खेत पर गए हुए थे। घर में प्रदीप ऋषि की घर की महिलाएं खाना बना रही थी, तभी अचानक घर में आग लग गई। देखते ही देखते इस आगलगी ने आसपास के लगभग एक दर्जन घरों को अपनी चपेट में ले लिया। जब तक लोग आग पर काबू पाते, तब तक 6 परिवारों के लगभग एक दर्जन घर जलकर पूरी तरह राख हो चुके थे। इन पीड़ित परिवारों में प्रदीप ऋषि के अलावा भोला ऋषि, सुदाम ऋषि, विकास ऋषि, चंपा देवी और बंजारा ऋषि के परिवार शामिल हैं। अहमदाबाद प्रखंड में लगातार आगलगी की घटना घट रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है अहमदाबाद प्रखंड के दक्षिणी करीमुल्लापुर पंचायत के वार्ड संख्या 2 में। एक बार फिर आगलगी की घटना घटी है और इस आगलगी की घटना में अग्नि पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। क्या कुछ कहते हैं इसको लेकर अग्नि पीड़ित परिवार, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। मजदूरी कर अपना जीवन यापन करने वाले व्यक्ति के घर में अगर आगलगी की घटना घटती है तो उसके लिए ये दुख एक पहाड़ की तरह साबित होता है। बता दूं कि आगलगी की घटना में 6 परिवार का लगभग 12 घर जलकर राख हो गया है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि किस तरह से आगलगी की घटना घटी थी और कितना सामान जला है। और साथ ही ये भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि इस आगलगी की घटना में कई पशु भी जलकर झुलस गए हैं और एक पशु के मरने की बात सामने आ रही है। सर, हम लोग काम काज में गए और खाना बना रहा था लेडीज, और आग लग गया। कोई भुताने वाला भी यहाँ नहीं था, नहीं पानी डालने वाला, और हम लोग को आते आते तब तक सब कुछ जलकर खत्म हो गया। गांव का लोग आके बुझाया? हाँ, जो आया सर, आते आते तब तक तो कुछ बचा ही नहीं था, कुछ नहीं बचा। कितना परिवार का घर जला यहाँ? सर, हम लोग का 5 परिवार, 4 भाई और 1 माँ, 5 परिवार का हम लोग का। हमारा भोला ऋषि, सुदाम ऋषि, बंजर ऋषि, प्रदीप ऋषि और चंपा देवी, और विकास ऋषि भी। जी, विकास ऋषि वो दामाद था, वो यहाँ रहता है। घर तो सर यहाँ कम से कम 12-13 गो था, सारा जल गया। भोला ऋषि, सब कुछ जल गया। मेरा तो कुछ भी नहीं बचा, जो पहने वही बचा। खाना बनावे ले 12 बजे में धुआं आगे ऊपर फेंकले, बस घर पे किनारा में धर ले के घर के बगल में धरते धरते जलते जलते कम से कम आग एकदम भुतावे नहीं सकलिए। तो एकदम अब की कपड़ा लत्ता हटेबे, दाना पानी जितना हले सब जर गए, कुछ नहीं बचले। घर का आदमी कहाँ था? घर के आदमी जान लेके भाग लिए, हम कुछ हटावे नहीं सकले, हड़िया बर्तन जितना हले सब जर गए। बंजर ऋषि के घर है और ओकर बेटी दामाद हमर सब घर में रह, हमरे सब बच गए। उ सब चल गए कहीं काटे बांधे के लिए, गरीब लोग है तो खटते नहीं, कमेते नहीं, घास भूसा हमारे चल गए माल जाल के लिए, वही चल गए माल जाल के लिए। इधर तल घर जर के पूरा राज छाए, एकदम पूरा एकदम कुछ नहीं बचले। कोई आइलो? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ को? कोई कुछ नहीं दिल को। की नाम छोटा? सीमा देव। खाना बनाने को टेम में आग लगा है, बहुत आदमी नहीं सका, बस वही आगे नहीं खर के घर था, वही आधा ही काला सामान, आधा नहीं काला है, बस जान लोग को बच्चा बुतरू छोटा छोटा था, बच्चा बुतरू को भगाने के वजह से सब घर तल जर के राख हो गया। गांव में गया खबर करने के लिए, गांव में आदमी नहीं था, सब खेती गृहस्थी में चला जाता है, जो आदमी था से दो के आया है। यहाँ को तो लाठी पहना लोग, जो बाल्टी था वही ठो लेके भुताया यहीं।
कुछ बचलो तो? कुछ नहीं बचा, सारी चीज आधा बर्तन अच्छा था, आधा बर्तन सब जर को तो भसम हो गया, सब जल गया। हाँ, सब कपड़ा लता सब जर गया है। की नाम था? सोनी देवी। खाना बनाने में क्या करेंगे, कोई ना था इसलिए। किसके घर से खा, किसके घर में खाना बन रहा था? प्रदीप कृषि का। फिर की हुआ? तो अकेले हम थे, आघिन कैसे लग गया गुड़कर, अकेले सुलग गया, भुताने नहीं सकते, बाल्टी बाल्टी फेंकते फेंकते, छोटा बच्चा था, बाहर किए घींच के उसको बाहर किए झुलवा से। गाय तीन चार को जल गया है। गाय भी जल गया? हाँ, एक मर गया है, तीन को घायल है, अभी दवाई चल रहा है। सब जल गया, कुछ नहीं, जितना चावल दाल था गेहूँ आटा सब जल गया, थरिया बर्तन जितना ओढ़ना बिछौना पैसा भी था बैग में, सब काट ताट सब जल गया, पैसा 3-4 हज़ार था, दाना पानी भी था, सब खत्म, सब खत्म हो गया। क्या नाम है? हमारा नाम विकास है। घर में कोई नहीं था, बाल बच्चा, हम लोग बाहर में थे, आते आते घास लेके पूरा घर जल गया है, गोरु एक मर गया है जल के, चार गो गाय घायल है, और क्या कुछ अब कुछ नहीं बचा, थरिया बर्तन पूरा जर गया, अनाज पानी खाने का भी, सोने का बिस्तर भी जर गया है। हाँ, कुछ नहीं बचा है बाबू, हम लोग पांच परिवार को जोड़ लो 10 घर जर गया बाबू। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह सभी लोग अत्यंत ही गरीब हैं और किसी तरह मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, लेकिन आगलगी की इस भीषण घटना में उनके घर का बचा कुचा सारा सामान जलकर राख हो चुका है। घर में रखे कपड़े, अनाज और जमीनी कागजात के अलावा घर में बंधे मवेशी भी इस घटना का शिकार हो चुके हैं। हालांकि इसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। आग लगने की घटना, खाना बना रहे थे 12-1 बजे के तरफ, जल आग लगने के कारण सारा घर ही लोग का जल गया है, एक भी कोई सामान नहीं निकल पाया, न कुछ बचा ही लोग का, मजदूरी करता है गरीब परिवार से लोग, ऋषि जाति से आता है, 6 परिवार का 10-12 घर जला है। ब्लॉक में से हम लोग दिए हैं, आवेदन दिए हैं, कोई कुछ सरकार कुछ आवेदन इन लोग को मदद करे, इसका ऊपर कुछ। मोहम्मद वसीम, वार्ड नंबर 2, पंचायत दक्षिणी करमुल्लापुर। ऐसे में केबीसी न्यूज भी आप तमाम लोगों से अपील करता है कि खाना बनाते समय सावधानी बरतें, क्योंकि आपकी सावधानी से ही आप अपने परिवार और अपने घरों को बचा सकते हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं मोहम्मद इम्तियाज, केबीसी न्यूज के लिए। अब इन परिवारों के पास खुले आसमान के नीचे रहने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। हमारे अहमदाबाद संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज ने बताया कि इस घटना को लेकर राजस्व पदाधिकारी अनुपम कुमार से पूछे जाने पर उनका कहना है कि जल्द से जल्द सभी पीड़ित परिवारों को सरकारी नियमानुसार राहत सामग्री एवं मुआवजे की राशि दे दी जाएगी। Colonel's Academy Katihar, a senior secondary co-ed school with modern classrooms, expansive playgrounds and excellent hostel facilities, we nurture creativity. The admissions and registrations open now.